भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बिंदु, जहां ब्रिटानियों को विरोध का सामना करना पड़ा और उनके सामने थी एक बहादुर स्त्री। 18 नवंबर 1828 को जन्मी मणि कर्णिका, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का डटकर मुकाबला किया और भारत की आजादी की पृष्ठभूमि तैयार की। अपने शहर, अपने राज्य की रक्षा करने उसने अपने प्राणों की आहुति दी। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से अमर हुई, हर भारतीय के दिलों और दिमाग में अमर हो गई। झांसी की रानी, जिसकी सुनी कहानी आज इसी झांसी शहर के एक शख्स ने अपनी कहानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप में सुनाई, वो है डायमंड लीडर दबंग अनिल चतुर्वेदी। झांसी शहर के गांव बरगढ़ में अपनी जमीन की देखभाल कर स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी अपने 5 बच्चों के साथ रहते। इन्हीं के घर जन्म हुआ 8/11/1976 को इनके सबसे छोटे पुत्र का, अनिल चतुर्वेदी का। बचपन से ही शरारती और माता पिता के लाडले। अनिल की शिक्षा की शुरुआत हुई भानु देवी गोयल स्कूल से, जहां से उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण की। खेलकूद में अनिल हमेशा से रुचि लेते तो अपने स्कूल में क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया, जो शासकीय राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचा। यहां उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा ली। पिता आर्थिक रूप से संपन्न थे, खेलकूद, दौड़ भाग और अच्छा भोजन, जिसने अनिल को मजबूत बनाया। जीवाजी यूनिवर्सिटी के दौरान एमपी पुलिस में चयन हो गया। 1997 पुलिस में ज्वाइनिंग ली और वहां अपनी सेवा देना शुरू की। विभाग में अपने नेतृत्व क्षमता की वजह से कई प्रतियोगिताएं जीती। सन 2000 पिता का देहांत हो गया, तब अनिल लगभग 24 साल के थे। अब बड़े भाई और माताजी ने अनिल का पूरा ध्यान रखना शुरू किया। 2003 29 जनवरी को वो समय आया जब अनिल के जीवन में उनकी पत्नी ने प्रवेश किया और अंजलि सात फेरे ले सात जन्म के बंधन में बंध गई। प्यार और सम्मान देने के लिए अनिल के साथ अंजलि ने वचन लिए, नौकरी और परिवार यही जीवन। बेटी पलक और पाखी का जन्म हुआ, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी और इधर नौकरी में भी व्यस्त था। समय आसानी से कट रहा था, पर अनिल के सपने अनिल को परेशान करते। बेटे वंश का जन्म हुआ और परिवार और बढ़ा। इसी दौरान सपनों के रास्तों से मुलाकात हुई, वो था सेफ शॉप। देवेंद्र शर्मा सर ने प्लान दिखाया और अनिल ने उसे ज्वाइन कर लिया। जो ठहरा है ले के सहरा है, दो कदम पे ही खाब सुनहरा है। कल किसी का इसी सेफ शॉप में मुलाकात हुई विनोद राठौर सर से, जिन्होंने अनिल को प्रभावित किया तो अनिल ने उन्हें रोल मॉडल बना लिया।
और उन्हीं की तरह अपने सपनों को पूरा करने का लक्ष्य बनाया। सेफ शॉप की ट्रेनिंग और सानिध्य विनोद सर का लेते रहे। बस फिर क्या। पर्दे पे आका एक धमाका सब अदब से झुकने लगे। कल था जो दादा अब पे आधा बन के डर से छुपने लगे। Oh, yeah.